एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। करना। अरे क्या माफ कर, पूरा पजामा क्यों नहीं पहना? पूरा पजामा पहनूंगा तो 2 मीटर कपड़ा खावा खावा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बचपन की चड्डी में अभी तक पहन के घूमता हूँ। तेरे जैसा कंजूस लालटेन जलाकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आए को जलाते हो लालटेन, खामा का तेल खर्चा होएगा ना। चुप, तुम लाश पर लुटाए जाने वाले पैसों को छूने वालों से भी कहेगी। अरे तुम पैसा बर्बाद करना जानते हो, पैसा बचाना तुम क्या जानो? तुम क्या आए, क्यों आए, क्यों आए, क्यों? इंस्पेक्टर साहब अंदर अंदर, बदबूदार फकीर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब बोला ना, हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब क्या है? मेरा नाम तेली राम है। जानता हूँ, आप कंजूसी के लिए बहुत मशहूर हैं। जरा नवाजी का शुक्रिया। कहिए बात क्या है? मेरी इकलौती बेटी है प्रिया, डाकू उसको उठा के ले गए और साथ में धमकी दी कि अगर मैंने 4 बजे तक 30,000 रुपए बुरी पहाड़ी पर नहीं पहुँचाया तो उसको जान से मार डालेंगे। देखिए मैं ना उसकी फोटो लाया हूँ, ये देखिए उसकी फोटो। दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के मैं ये 30,000 रुपए लेकर आया हूँ। अगर जरूरत पड़े तो उन डाकुओं को दूर से ये 30,000 रुपए दिखा देना, पर देना मत। हाँ, देना मत। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी आपके घर सही सलामत पहुंच जाएगी। बाप रे, कितनी भयानक जगह है सर। जब जगह इतनी भयानक है तो डाकू कितने खतरनाक होंगे। शट अप, तुम ये रुपए लेकर उस तरफ जाओ और वहां से चिल्लाकर कहना कि तुम रुपए ले आयो, शायद डाकू तुम्हारी आवाज सुनकर बाहर निकले। तब तो वो ठाए से मुझे गोली मार देंगे सर। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो ठाए से मैं गोली मार दूंगा। समझ गया सर, समझ गया, आप मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। ठीक है, शायद डाकू की गोली से मरने के बाद मेरा प्रमोशन हो जाए। हाँ, अब तुम उधर से जाओ। जी जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। थैंक यू सर। हाँ हाँ, 30,000 है पूरे, मगर आप दिखते नहीं है, कहाँ है? अपने सीधे हाथ की तरफ चले आओ। आया, सीधा आया। बड़े काटे, रुक जाओ। रुक गया, अब क्या करूं? तुम्हारे पास जो गंजा पेड़ है रुपया उस पर रख दो। गंजा पेड़? नहीं नहीं नहीं, शूट मत करना, शूट मत करना, मैं डाकू नहीं हूँ। देखो, मैं प्रिया हूँ, तेली राम की बेटी। तुम? तुमने ये नाटक क्यों किया? ये नाटक नहीं, जरूरत है। ये रुपया मुझे मेरी सहेली सुशीला की माँ के ऑपरेशन के लिए चाहिए था। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बचेंगी। अब और नाटक करने की जरूरत नहीं, चलो पुलिस स्टेशन। सुनिए ना मेरी बात, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद हॉस्पिटल चलिए, आपको सच्चाई खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगी। चलिए ना प्लीज, वक्त बहुत कम है, चलिए ना। नहीं सुशीला, नहीं, रोते नहीं। प्रिया, मां की हालत और सीरियस हो गई है। डॉक्टर ने कहा है अगर शाम तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल है। घबराओ मत सुशीला, ये लो 30,000 रुपए हैं, जाओ जल्दी से डॉक्टर साहब को दे दो और कह दो उनसे कि ऑपरेशन का बंदोबस्त करें। प्रिया, जाओ ना। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आ गया। सुशीला के माँ के ऑपरेशन के लिए मैंने डैडी से रुपये मांगे थे, उन्होंने कहा था कि मैं दे दूंगा, लेकिन आखिरी वक्त पर इनकार कर दिया, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। अगर आप समझते हैं कि मैंने जुर्म किया है तो बेशक जेल में डाल दीजिए मुझे। ऐसा काम करने के बदले में अगर सबको जेल की सजा दी जाए तो सारे देवी देवता जेल में नजर आएंगे। सेठ जी, इधर इधर। क्या सेठ जी,
चार दिनों से गलियों के पोस्टर फाड़ फाड़ कर लाता रहा और उन्हें जला जला कर खाना बनाता रहा हूं। लेकिन अब तो गली के पोस्टर भी खत्म हो गए। अब आप ही बताइए चूल्हे में क्या डालूं? मुझे डाल दे। लेकिन आप तो जलने में भी कंजूसी करेंगे। क्या बोला? साला सेठ जी बोलकर हमेशा अपने पेट जी की बातें करता है। बोल गया कि मेरी बेटी लापता है। ऐसी हालत में खाना तो एक तरफ, पीने के बारे में भी कोई नहीं सोच सकता। जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती तब तक घर में न चूल्हा जलेगा, न खाना पकेगा, न खाने के बारे में कोई सोचेगा। भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, मर गए। ये चमेली की खुशबू कहाँ से आ रही है? भैया मैंने अपने सर में चमेली का तेल लगाया है। शचुंदर के सर में चमेली का तेल? ए चमेली, तेरे को मना किया था ना घर में मत आना, फिर काहे के लिए आया तू? पैसे लेने आया। मैं भिखारी को भीख नहीं देता तो तेरी क्या बिसात है? भीख कौन मांग रहा है, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। अच्छा, पिताजी की वसीयत नहीं पड़ी थी? पढ़ना किसको आता है, खर्चे के डर से बाप ने स्कूल भेजा ही नहीं, भूल गया क्या? स्कूल के सामने से तो गुजरा होगा, फिर भी नहीं सुधरा। सारी जिंदगी घर से पैसे चुरा चुरा के खाता रहा, चोट्टा कहीं का। ए, पैगा चोट्टा बे, खर्चे को पैसा नहीं मिलेगा तो चोरी तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए पिताजी ने तुझे सारी जायदाद से अलग कर दिया और सारी जायदाद मेरे नाम लिख दी और तुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। वो भी तेरी फांदेबाजी थी, पिताजी को भी तूने भड़काया था कपूरी बाज की दरगाह। हाँ, भड़काया मैंने, वरना तू कब का घर भेज के खा गया होता। तुझे भाई के तो मुझे घिन आती है और तुम्हारे जैसे कंजूस और कमीने आदमी को अपना भाई कहते हुए मुझे उल्टी आती है। पैसा क्या खाओगे या मरने के बाद साथ ले जाओगे? लखपतियों को छीटड़े पहनते हो, नहाते तक नहीं, बदन से बदबू आ रही है, कीड़े पड़ेगा उनको तुम्हारे बदन में। ए चमेली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में खड़ा होकर मुझको गालियां दे रहा है? सीधे बाहर जाओ ना, टांगे तोड़ के सर पर रख दूंगा और पंजाब मेल के नीचे बांध दूंगा, चल। अच्छा जाता हूँ, तू भी क्या याद करेगा, बल्कि बाद में याद करेगा। साला लुच्चा लफंगा। बिटिया, बेटी, डैडी। अरे तेरे देवर बराबर है ना, हाथ भर सलामत है ना, कपड़े तो नहीं फटे ना? हाँ तो जहाँ मैं रखा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बेटी को सही सलामत देकर आ गए। मेरे पैसे सही है डैडी? वो गुंडे थे ना, इतने भयानक थे, इतनी लंबी लंबी तलवार और बंदूक। वो बराबर है, लेकिन मेरे पैसे। वो क्या है कि डैडी, इन्होंने ना उन गुंडों को यूं मारा, यूं मारा, यूं मारा। अरे पुलिस वालों को तो काम ही मारने का, मुझे क्या कुछ सुना रही है? फिर एक मिनट, मेरे पैसे। तेलीराम जी, बात यह है कि जब मैं आपकी बेटी को बचा रहा था तो गुंडों के साथ लड़ते लड़ते मेरे हाथ से बैग गिर गया और वो गुंडे बैग उठाकर भाग गए। अरे अरे तेलीराम जी, आप मत कीजिए, जरा सा पैसों का झटका लगा है, इसका इलाज मेरे पास है। चीची, 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 खुशबू आई, खुशबू आई, खुशबू आई, 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 आई। अरे ये रुपया मेरा है। तेरे बाप के रुपए क्या? मेरे रुपए ये। तेलीराम जी, आपकी बेटी घर से ही सलामत आ गई है, आपको तो खुश होना चाहिए। 30,000 रुपए गए तो क्या हुआ? अरे क्या बात करते हो, लड़की आ गई तो चलेगा, वो 30,000 रुपए चलेगे? अगर 30,000 रुपए देने होते तो मैं खुद ही जाके लड़की वापस लेके नहीं आ जाता। पुलिस वालों को फर्ज भी निभाना चाहिए, लड़की भी लाना चाहिए, पैसे भी लाना चाहिए। मेरे तुम्हारे पास 30,000 रुपए चढ़ गए हैं, पुलिस वाले उसके लिए ब्याज नहीं लूंगा, मगर एक महीने लौटा देना। तुम उधर झाड़ियों की तरफ जाओ, जरूर कोई जोड़ा रोमांस कर रहा होगा, गंडा दिखाकर पैसे वसूल करके लाओ। कौन है भाई? ठीक करो, मुठी करो। सर आप इंस्पेक्टर चोर घे, चलो बाकी खाने का हिसाब कमीशन साहब को देना, चलो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब, ये सब कुछ ले जाइए मगर मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, आज तो मैं तुमको डिसमिस करा के रहूंगा, चलो। नहीं नहीं, डिसमिस नहीं, डिसमिस नहीं। अच्छा साहब एक काम करिए, ये पूरे महीने की तनख्वाह भी रख लीजिए मगर मुझे माफ कर दीजिए। खाली एक महीने की? अगले महीने की भी दे दूंगा। ओके ना? हां दे दूंगा। अच्छा, जो दोबारा नहीं करना। अच्छा, जो अजीब चोर के। क्या बोला? नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बाप रे, ये तो डुप्लीकेट इंस्पेक्टर है, जरूर इसने किसी को चीट किया होगा। 420 बेईमान पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाता है, चलो थाने। एक मिनट साहब, एक मिनट। क्या? एक तोहफा देता हूँ। अरे अरे मेरा चश्मा, अरे मेरा चश्मा, अरे ओ अबे ओ हो, अरे अबे
निकाल, क्या हुआ क्या हुआ? सर वो आदमी डुप्लीकेट इंस्पेक्टर है, उसने जरूर किसी को उल्लू बनाया है।